हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले वाला लेक्चर अभी हमें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप तो सारी बातों को समझ पाए होंगे कि विद्युत भार क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और कोई भी वस्तु को हमें विद्युत भारित कैसे करना है। ओके, है ना? कोई भी वस्तु को अगर हमें चार्ज करना है यानी कि विद्युत भारित करना है तो हम उसको कैसे कैसे कर सकते हैं। घर्षण के द्वारा चार्जिंग, है ना, और बिना घर्षण के द्वारा चार्जिंग, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने ये भी जाना कि विद्युत भार कितने प्रकार का हो सकता है। फिर इसके आगे का हमारा टॉपिक है कि विद्युत भार यानी कि चार्ज का क्या क्या गुणन धर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या खूबी है, विद्युत भार का क्या क्या गुणन धर्म होता है। तो बच्चों, ये कुछ 1 या 2 मार्क्स में अभी हमारे स्कूल के यानी कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्युत भार का क्या क्या गुणन धर्म रहता है और ये किस किस तरीके का ये गुणों में ये चल सकता है। तो अभी हम इसका पहला गुणधर्म की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान है तो ये आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको अच्छी तरीके से हम सबको समझ में आ जाएगा। तो पहला गुणधर्म में, विद्युत भार का गुणधर्म में, इसका पहला गुणधर्म आता है कि विद्युत भार का सर्वाणु नियम। विद्युत भार का सर्वाणु, सर्वाणु का मतलब हमें पता होगा कि इसका एडिशन यानी कि जोड़ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम लोगों ने पहले समझा है कि अगर जो भी इसका डेफिनेशन है, इसका परिभाषा जो होगा वो हम आपको बाद में लिखवा देंगे या तो इसका नोट्स दे देंगे। अभी हमारे लिए टॉपिक को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से समझें इसके लिए अभी हम जरा प्रयासरत हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हमें पहले एकदम अच्छे तरीके से टॉपिक को समझना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत भार का सर्वाणु नियम, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये क्या कहता है कि कोई भी एक वस्तु पर जो कुल विद्युत भार आएगा, कुल बीज भार जो आएगा वो कितना होगा कि एक वस्तु पर जितना भी विद्युत भार, जितना भी चार्ज जो दिया गया होगा, वो सभी चार्जेस का जो भी जोड़ होगा, जो भी प्लस करके जो भी उसका वैल्यू आएगा, है ना, वो उतना चार्ज अब उस वस्तु के ऊपर आएगा। मान लीजिए कि अगर ये कोई भी एक वस्तु है, इसके ऊपर पहले +5 कूलम का चार्ज दिया गया, फिर -10 कूलम का चार्ज दिया गया, फिर 15 कूलम का, फिर +15 कूलम का चार्ज दिया गया। तो इस वस्तु के ऊपर कुल चार्ज कितने का आया, कुल विद्युत भार कितने का आया? तो हम देख सकते हैं कि वह 5 + 15 = 20 और ये -10, हाँ कि नहीं, -10 कूलम। तो कुल विद्युत भार अब कितने का आया, तो भाई अब वो आएगा +10 कूलम, +10 कूलम। तो ये अभी हमें समझ में आ गया होगा कि अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं। भाई कोई भी एक वस्तु के ऊपर आप जितना भी चार्ज देंगे तो उसका जो भी प्लस करके जो भी उसका मूल्य आएगा वो उसके ऊपर उतना ही भाई विद्युत भार बनेगा। ओके, मान लीजिए कि अगर हम वस्तु के ऊपर +5 कूलम और -2 कूलम का चार्ज देंगे तो कुल इसका भाई विद्युत भार कितना हो जाएगा, +3 कूलम, +5, -2, +3, +5 कूलम का चार्ज दिया, -2 कूलम का चार्ज दिया, तो भाई कितना बचेगा, तो भाई +3 कूलम। तो ये बार ये अच्छे तरीके से अभी हमें समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। तो आगे चलते हैं, विद्युत भार नो क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण मतलब कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, विद्युत भार का क्वांटमीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ओके, समझते एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा, एकदम छोटा सा एक ये बात है, सुनते हैं। देखिए अभी क्या है कि कोई भी अगर देखा जाए तो ये जो धन विद्युत भार का, जो धन विद्युत भार का जो सबसे छोटा जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, एक प्रोटॉन। समझ रहे होंगे, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो भाई +1e, है ना। ओके, एक बार प्रोटॉन के ऊपर भाई चार्ज कितने का होगा, तो भाई +1e।
यानी कि भाई प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम है ना, और एक जो ऋण जो भाई विद्युत भार होगा उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो भाई माइनस 1 e, मतलब कि माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। हाँ कि नहीं बच्चों? ओके, तो एक जो देखा जाए एक प्रोटॉन के ऊपर इतना भाई विद्युत भार होता है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी इतना विद्युत भार होता है, ठीक है। तो क्वांटमीकरण क्या कहता है कि कोई भी एक वस्तु के ऊपर, कोई भी एक वस्तु के ऊपर, कोई भी अगर एक भाई बॉडी है इसके ऊपर ही और इसके ऊपर जो भी चार्ज संभव भाई जो विद्युत भार जो होगा वो कितना होगा, तो मूलभूत ये जो है ना ये प्लस 1 e या तो माइनस 1 e, इसको हम भाई मूलभूत विद्युत भार कहते हैं। मूलभूत मतलब कि मूलभूत या तो एलिमेंट्री मूलभूत विद्युत भार। तो भाई मूलभूत का मतलब क्या हो गया कि अब और इससे कोई कम का संभव ही नहीं है, इसका ज्यादा का हो सकता है लेकिन इससे कम का और कोई भाई विद्युत भार संभव नहीं है। आप 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम का से कम का विद्युत भार आप और अभी हम नहीं बना सकते। तो ये क्या कहता है कि कोई भी एक वस्तु के ऊपर जो संभव विद्युत भार जो होंगे, जो इसका मूलभूत विद्युत भार जो हुआ, मूलभूत विद्युत भार मतलब कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, चाहे प्लस में हो या तो माइनस में हो, इसका भाई पूर्ण गुणांक में होंगे। पूर्ण गुणांक मतलब कि प्लस माइनस एन इंटू ई, ई का बच्चों मूल्य ये वाला होगा है ना। और एन क्या होगा बच्चों, एन एक टाइप का इंटीजर जिसम कहते हैं ना कि भाई एक पूर्ण गुणांक, मतलब कि या तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरीके से चलिए भाई 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10000 हो सकता है, 1000 हो सकता है ना। ओके, तो कहना क्या चाहता है कि भाई मान लीजिए कि अगर आप इस कोई भी एक वस्तु के ऊपर अगर आप भाई विद्युत भार देते हैं, तो जैसे कि भाई अभी आपने 10 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ओके, या तो 5 इलेक्ट्रॉन दिया, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर भाई विद्युत भार कितने का हो गया बच्चों, तो -5 इंटू ई, 5 इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो -5 इंटू ई, अगर आपने 10 दिया होता तो कितना हो जाता भाई, -10 इंटू ई। अगर आपने भाई मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु के ऊपर अगर आपने भाई मान लीजिए कि जैसे कि 4 प्रोटॉन दिया, तो अब इसके ऊपर पर भाई विद्युत भार कितने का हो जाएगा इसके ऊपर का, तो भाई +4 इंटू ई ऐसा ही होगा। हाँ कि नहीं? तो जो संभव विद्युत भार जो होगा वो या तो 1 e, 2 e, 3 e, 10 e, 1000 e, 10000 e, ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ कि नहीं? संभव कैसा हो सकता है भाई, तो या तो भाई प्लस माइनस में 1 e, प्लस माइनस में भाई 2 e, प्लस माइनस में भाई 10 e है ना। ओके, इसी तरीके से प्लस माइनस में 100 e और इसी तरीके से। हाँ कि नहीं? ओके, अब ये कहता क्वांटमीकरण का नियम ये कहता है कि भाई कोई भी वस्तु के ऊपर विद्युत भार किस तरीके से नहीं हो सकता है। तो चलिए बच्चों जरा देखते हैं किस तरीके से नहीं हो सकता है। जैसे कि 1/2 e हो गया भाई, 5/3 e हो गया, ये बच्चों पूर्ण गुणांक नहीं है, परफेक्ट इंटीजर नहीं है, समझ रहे हैं ना। 1/2 e का मतलब क्या हुआ कि एक आधा भाई चार्ज ये भाई इसके ऊपर है और आधा बाहर है ना। ओके भाई, कोई भी एक वस्तु के ऊपर कैसा चार्ज संभव नहीं है, तो 1/2 e, 5/3 e जो कि भाई पूर्ण गुणांक में जो नहीं होगा, 7/5 e, ऐसा कोई भी भाई विद्युत भार संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं है ना। ओके, मूलभूत का e को अभी हम लोगों ने एक प्रोटॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना, तो जो मूलभूत जो चार्ज है उसका भाई वन जो पूर्ण गुणांक में जो नहीं होगा वैसा चार्ज संभव नहीं है। जैसे कि मैं मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2.5 e, जैसे कि अभी हो गया 2.5 e, मतलब कि दो चार्ज हैं और एक आधा चार्ज मतलब कि इसके ऊपर दो हो गया और भाई और एक आधा चार्ज हो गया, ये आधा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, टू हो सकता है लेकिन आधा नहीं हो सकता। तो या तो एक बार पूरा चार्ज अंदर आएगा या तो पूरा चार्ज बाहर जाएगा, आधा चार्ज है, एक तिहाई चार्ज है, एक चौथाई चार्ज है, ये चीज संभव नहीं है। या तो पूरा विद्युत भार अंदर आएगा या तो पूरा ही बाहर जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात अभी हमें समझ आ गई होगी। तो कोई भी वस्तु के ऊपर जो संभव जो भाई चार्ज जो होगा, जो संभव जो भाई विद्युत भार जो होगा, वो इसके हिसाब से हो सकता है भाई, प्रतिबिंब
प्लस माइनस वन ए, प्लस माइनस टू ए, प्लस माइनस अब 5, 6, 7, 10, 100, 1000 जितना चाहे उतना, हम इसको ऐसा लिखेंगे कि क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ए। और एन क्या होना चाहिए भाई, एक पूर्ण गुणांक होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 इस तरीके से। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ अगर आपको अगर अभी भी नहीं समझ में अगर आया हो कोई भी टॉपिक का, तो आप डायरेक्टली आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है तो नहीं समझने का तो कोई चांस नहीं बनता, लेकिन अगर अभी समझ में ना आया हो तो आप डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो अभी हमें समझ में आ गया होगा, दो नियम अभी हमें मालूम पड़ गया होगा, विद्युत भार का सर्वाधारण का नियम, मतलब कि भाई प्लस करने वाला नियम, और दूसरा कौन सा, विद्युत भार का क्वांटमीकरण, मतलब कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि भाई चार्ज या तो पूरा आएगा या तो भाई पूरा जाएगा, आधा आया और आधा गया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, है ना। चलिए बच्चों, एक ये तीसरा भी है, विद्युत भार का संरक्षण का नियम। हम बच्चों इसका परिभाषा आपको लिखवा देंगे या नोट्स दे देंगे आपको, अभी हम पहले इस टॉपिक को अभी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। विद्युत भार का संरक्षण का नियम, जैसे कि भाई इसका हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सुनते बच्चों, अभी हम लोगों ने ऊर्जा का संरक्षण का नियम समझा होगा। ऊर्जा का संरक्षण का नियम भाई क्या कहता था, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो कोई बनाया जा सकता है ना तो भाई बिगाड़ा जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है। ऊर्जा को केवल केवल मतलब कि आप उसे रूपांतरित किया जा सकता है, एक चीज से दूसरे चीज में अभी हम उसे रूपांतरित कर सकते हैं, हम कोई भी ऊर्जा को बना या बिगाड़ नहीं सकते। उसी तरीके से विद्युत भार का संरक्षण का नियम है। विद्युत भार का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई विद्युत भार को ना तो नया बनाया जा सकता है, विद्युत भार चाहे वो भाई प्लस हो या तो माइनस हो, आप नया विद्युत भार नहीं बना सकते और ना तो विद्युत भार को बिगाड़ सकते हैं, है ना। ओके, विद्युत भार को बनाया भी नहीं जा सकता और उसे बिगाड़ा भी नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना विद्युत भार जो था उतना को उतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो कोई नया आया है और ना तो कोई गया है, तो विद्युत भार जो जितना था वो उतना को उतना ही रहेगा। तो ये विद्युत भार का संरक्षण का नियम ये ऐसा कहना चाहता है कि भाई हमारे यूनिवर्स यानी कि भाई ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जब अगर बनी थी तो उस टाइम पर उस समय पर जितना विद्युत भार थे ब्रह्मांड को खत्म होने तक उतना ही विद्युत भार रहेगा, उतना ही भाई विद्युत भार आपका रहेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ना तो कोई विद्युत भार नया आया है और ना तो कोई भाई बिगड़ा है, मतलब क्या हुआ कि जो जितना था वो उतना को उतना ही रहेगा। विद्युत भार को बनाया भी नहीं जा सकता और बिगाड़ा भी नहीं जा सकता, तो जो विद्युत भार जितना था वो उतना का उतना ही रहेगा, हाँ कि नहीं। चलिए अब हम जरा से इस चीज को अभी हम थोड़ा सा समझते हैं, विद्युत भार का संरक्षण का नियम कैसे और ये क्या कहता है। मान लीजिए कि कोई अगर एक तंत्र है, कोई अगर एक तंत्र है, हम इस चीज को समझते हैं कि वह विद्युत भार का संरक्षण का नियम क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि इस तंत्र में कुल तीन वस्तु है, ए तीन बॉडी है, ए बी और सी। ए के ऊपर चार्ज है +10 कूलम, बी के ऊपर चार्ज है -20 कूलम, सी के ऊपर चार्ज है +30 कूलम, +30 कूलम, हाँ कि नहीं। ओके बच्चों, पूरी बात समझ में आ रही होगी, +30 कूलम। अच्छा, तो क्या हुआ कि पहले ए बी सी तीन वस्तु थे, हाँ कि नहीं। इनके ऊपर भाई ए के ऊपर +10 कूलम का चार्ज था, बी के ऊपर -20 कूलम का चार्ज है, और तीस और सी के ऊपर +30 कूलम का चार्ज हुआ। अब क्या होता है कि अब तीनों का तीनों में कुछ अभी अभी आपस में जैसे कि चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, चार्ज का हेरा फेरी करते हैं। मान लीजिए कि अगर ए के ऊपर चार्ज आ गया, मान लेते हैं ए के ऊपर चार्ज आया -5 कूलम, मान लेते हैं
इन लोगों ने आपस में विद्युत भार का हेरा फेरी किया, तो ए के ऊपर चार्ज कितना आया, तो -5 कूलम। चलिए भाई बी के ऊपर चार्ज आता है तो जैसे कि भाई +15 कूलम, +15 कूलम। तो अब बताइए कि भाई सी के ऊपर, जो सी वाला जो होगा, अब इसके ऊपर विद्युत भार कितना होगा। हाँ कि नहीं बच्चों, पर समझ में आ रहा है। तो जैसे कि अगर ए के ऊपर +10 कूलम का चार्ज पहले था, बी के ऊपर -20 कूलम का, सी के ऊपर +30 कूलम का। ये था पहले इनिशियल, इनिशियल जिसे बोलते, या तो भाई प्रारंभिक, प्रारंभिक में कुछ ये ऐसा था, और ये आपका हो गया अंतिम वाला। ओके हाँ कि नहीं, हम विद्युत भार का संरक्षण का नियम अभी हम समझ रहे हैं। तो पहले ए के ऊपर 10 कूलम था, बी के ऊपर -20 था, सी के ऊपर +30 था। अब क्या हो गया, ए के ऊपर -5, बी के ऊपर +15, सी के ऊपर अब कितना होगा। तो क्या होगा कि कुल विद्युत भार वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर इसमें पहले पर कितना बार विद्युत भार था, तो +10 -20, यानी कि -10 -10 +30, यानी कि भाई कुल जो भाई था पहले, कुल भाई जो विद्युत भार पहले कितना था, तो भाई +20 कूलम। हाँ कि नहीं बच्चों, कितना था, तो भाई +20 कूलम। ओके, तो +20 कूलम है ना, विद्युत भार का संरक्षण का नियम के हिसाब से बाद में भी कितना होना चाहिए, तो भाई +20 कूलम का ही होना चाहिए। तो ए और बी के ऊपर अभी कितना आया भाई, तो -5 +15, यानी कि भाई +10 होना कितना चाहिए भाई, +20। तो सी के ऊपर अब भाई कितने का विद्युत भार आना चाहिए, तो भाई +10 कूलम। कितने का आना चाहिए, तो बच्चों +10 कूलम। हाँ कि नहीं। ओके, तो ये जो है, ये अभी इसको भाई क्या कहा जाएगा, तो भाई विद्युत भार का संरक्षण का नियम। ओके बच्चों, तो इसका डेफिनेशन आपको आगे मिल जाएगा, आपको आगे नोट्स दे दिया जाएगा, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में कुछ ही 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक, ये जो था मतलब कि चार्ज का, ये मतलब कि ये चार्ज का क्या क्या गुणधर्म है, ये भी हम लोगों ने समझा।